चेन्नई चेन्नई शानदार अंदाज में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की अगुवाई में चेन्नई सुपर किंग्स ने धूल चटाई सनराइजर्स हैदराबाद को और पूरी तरीके से पैट कमिंस का घमंड तोड़ के रख दिया। चलिए चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हुए मुकाबले का पूरा हाल आपको बताते हैं। टॉस जीता कप्तान पैट कमिंस ने और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। चेन्नई सुपर किंग्स को पहले बैटिंग करने के लिए इन्वाइट किया। सलामी बल्लेबाज के रूप में अजिंक्य रहाणे और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर उतरे। चिपॉक के मैदान पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार बल्लेबाजी की और 54 गेंदों पर 98 रन बनाए। हालांकि शतक से वो 2 रनों से चूक गए, लेकिन अपनी इस नायाब पारी में उन्होंने 10 चौके जड़े और 3 छक्के जड़े और स्ट्राइक रेट भी था 181 का। हालांकि उनके साथी जो जोड़ीदार थे अजिंक्य रहाणे, वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। 12 गेंदों का सामना किया और 9 रन बना करके वो आउट हो गए। लेकिन इसके बाद डेरिल मिचेल आए, उन्होंने कप्तान गायकवाड़ का शानदार अंदाज में साथ निभाया और दोनों ने एक मजबूत स्कोर की ओर अपनी टीम को पहुँचाया। डेरिल मिचेल ने 32 गेंदों पर 52 रन बनाए। वहीं शिवम दुबे ने 20 गेंदों पर 39 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 1 चौका लगाया और 4 छक्के जड़े और शिवम दुबे ने एक बार फिर से अपनी इस पारी की बदौलत साबित कर दिया है कि वो T20 वर्ल्ड कप की टीम में प्रबल दावेदार हैं। उन्हें वेस्टइंडीज और अमेरिका में होने वाले वर्ल्ड कप में भारतीय टीम में ज़रूर शामिल करना चाहिए। वहीं MS धोनी थाला एक बार फिर से बल्लेबाजी करने आए चेन्नई के मैदान पर। हज़ारों दर्शकों के बीच में MS धोनी ने 2 गेंदों का सामना किया, लेकिन उसमें भी उन्होंने 1 चौका जड़ दिया और 2 गेंदों पर 5 रन बना करके पूर्व कप्तान MS धोनी नॉट आउट रहे और फैंस को उन्होंने एक बार फिर से एंटरटेन किया। इस तरीके से 20 ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स ने बनाए 212 रन और टारगेट दिया SRH को 213 रनों का। 213 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरे ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। ट्रेविस हेड को एक बार फिर से शुरुआत तो मिली, लेकिन जिस खतरनाक अंदाज से वो इस सीज़न में बल्लेबाजी कर रहे हैं, चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों के सामने वो बेदम हो गए। 7 गेंदों का सामना किया, 13 रन ज़रूर उन्होंने बनाए, लेकिन सिर्फ 1 छक्का और 1 चौके की मदद से। और तुषार देशपांडे की गेंद पर वो चकमा खा गए और डेरिल मिचेल के हाथों वो कैच आउट हो गए। वहीं अभिषेक शर्मा 15 रन बना करके आउट हुए। अनमोल प्रीत सिंह खाता भी नहीं खोल सके। एडन मार्करम 26 गेंदों पर 32 रन बना करके आउट हुए। नीतीश रेड्डी ने 15 गेंदों का सामना किया और 15 रन ही बनाए। और हेनरिक क्लासेन 21 गेंदों पर 20 रन बना करके आउट हुए। 100 रन से भी कम के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए, केवल 95 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। और आप सोचिए, जो सनराइजर्स हैदराबाद अपने बल्लेबाजों के दम पर 250 से ज़्यादा का स्कोर इस सीज़न में खड़ा कर रहा था, टारगेट चेज करते वक्त एक बार फिर से हैदराबाद के बल्लेबाज चारों खाने चित हो गए, बेदम हो गए। और उनकी वो कमज़ोरी जो इस सीज़न में नज़र आ रही थी कि टारगेट चेज करते वक्त हैदराबाद के हाथ पांव फूल जाते हैं, एक बार फिर से चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों के सामने हैदराबाद के बल्लेबाज पूरी तरीके से नाकाम रहे और पूरी टीम 18.5 ओवर में ही 134 रन बना करके ऑल आउट हो गई। कोई भी बल्लेबाज मैदान पर CSK के गेंदबाजों का डट कर सामना नहीं कर पाया। कुछ बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्हें स्टार्ट तो मिला, लेकिन वो स्टार्ट को बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। जैसे एडन मार्करम, उन्हें स्टार्ट तो मिला, लेकिन 26 गेंदों पर वो 32 रन बना करके आउट हो गए। इसके अलावा अब्दुल समद ने 18 गेंदों पर 19 रन बनाए और शाहबाज अहमद 5 गेंदों पर 7 रन बना करके आउट हो गए। कमिंस भी 7 गेंदों पर महज 5 रन बना सके और तू चल मैं आता हूँ वाला हाल हुआ और पूरी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम पवेलियन महज 18.5 ओवर में ही लौट गई और 78 रनों से चेन्नई सुपर किंग्स ने शानदार, दमदार और ज़बरदस्त जीत दर्ज की। और अगर हम चेन्नई सुपर किंग्स के हीरो की बात करें इस मैच में, तो बल्लेबाजी से तो नो डाउट ऋतुराज गायकवाड़ ही टीम के हीरो थे, जीत के हीरो थे। मैन ऑफ द मैच भी कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ही बने, 98 रन उन्होंने बनाए थे। लेकिन गेंदबाजी में भी तुषार देशपांडे ने कमाल किया, 3 ओवर में 27 रन केवल खर्च किए और 4 अहम विकेट उन्होंने चटकाए और हैदराबाद के बल्लेबाजों को पूरी तरीके से उन्होंने बैकफुट पर धकेल दिया था। वहीं दीपक चहर ने 3 ओवर में 22 रन खर्च किए, कोई सफलता उन्हें नहीं मिली। मुस्तफिजुर रहमान ने 2.5 ओवर में 19 रन खर्च किए, एक बार फिर से वो किफायती भी साबित हुए और 2 अहम सफलताएं भी उन्होंने चटकाईं। वहीं रविंद्र जडेजा ने 4 ओवर में 22 रन खर्च किए और जड्डू को 1 सफलता मिली। शार्दुल ठाकुर ने 4 ओवर में 27 रन खर्च किए, 1 सफलता उन्हें मिली। और वहीं मथीशा पथिराना ने 2 ओवर किए, 17 रन उन्होंने दिए और 2 अहम सफलताएं उन्होंने चटकाई। और इस जीत के साथ चेन्नई सुपर किंग्स ने प्लेऑफ की ओर तेज़ी से कदम बढ़ा दिए हैं, लेकिन हैदराबाद की इस हार के साथ प्लेऑफ की जंग है वो और दिलचस्प
और रोचक हो गई है। CSK वर्सेस SRH मैच रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।